हेलो एमजी फैमिली, कैसे हो, क्या हाल चाल। आई होप यू आर डूइंग बेमिसाल। आज का जो व्लॉग है ना, वो मैंने बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सोचा हुआ है कि उसमें बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ करेंगे हम। बट वो व्लॉग शुरू करने से पहले ही ना हो चुका है कांड। मतलब मैं अभी बस तैयार होने जा ही रहा था कि मेरा हाथ ना अपने चश्मों के ऊपर आ गया और भाई साहब गो वेंट गॉन, टाटा बाय बाय हो चुका वो इसका। अभी एक चश्मा मेरे पास बैकअप में था जो कि यही चश्मा था, और कुछ दिन पहले मेरा मेन चश्मा भी चला गया हुआ था। बाई चांस मेरे पास ना कॉन्टैक्ट लेंसेज है, मैंने एक अच्छे टाइम पे बनवा लिए हुए थे, तो आज वो कॉन्टैक्ट लेंस पहनते हैं जो कि मुझे आज का व्लॉग बनाने में हेल्प करेगा। क्योंकि अगर मैं इसको रिपेयर करने भी चला गया तो पूरा दिन चले जाएगा, और जो कोई भी चश्मे वाला बंदा है ना भाई साहब, इस चीज़ के साथ रिलेट कर सकता है कि अगर चश्मे टूट जाएँ तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चश्मे वाले नहीं भी हो ना तो भी प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि ब्लॉग जो है ना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। लाइक ठोक दो, ब्लॉग की करते हैं उसके बाद शुरुआत। ये कॉन्टैक्ट लेंसेज मैंने बनवाए थे एक टाइम पे, और अभी तक डब्बा तक नहीं खोला हुआ यार मैंने इसका। एंड मैंने लेंसेज पहले फ्यूचर में पहने हुए हैं तो मुझे पता है लेंस वगैरह कैसे डालते हैं, नहीं तो ये लेंस डालना भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है न्यू कमर्स के लिए स्पेशली, बहुत ज्यादा। तो लेंस जो है बहुत ही आसानी से सेट हो चुका हुआ है। मैंने सोचा था आंखें जो है झपकेगी कुछ होएगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मे बी बिकॉज पहले पहने हुए तो करके, अब जाके ना जल्दी से होता हूँ मैं तैयार, और उसके बाद मुक्ति आदित्य को करता हूँ पिक, एंड फिर अपना खुराफाती व्लॉग जो है ना वो शुरू करते हैं। और अगर अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया ना, निवेदन है यार आपसे, प्लीज़ लाइक ठोक दो। ये व्लॉग पे ना मैं काफ़ी ज़्यादा लाइक्स एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठोक दो यार लाइक, और कमेंट करके बता दो लेंसेज में कैसा लग रहा हूँ। मतलब काफ़ियों को काफ़ी अजीब लग रहा हूँगा, अगर अच्छा लग रहा हूँ, कंटिन्यू करने चाहिए लेंसेज पहनने, तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना, क्योंकि पैसे खर्चे हुए हैं इन लेंसेज पे, यूज़ ही हो जाएंगे इसी बहाने। आज के दिन को तो मैं ऑफिशियली क्लोल डे घोषित कर सकता हूँ। नहा के आया, बाल बुल सेट किए, शर्ट भी पहन ली, और जैसे ही पहनने लगा मैं पैंट, भाई साहब छुपन छुपाई शुरू हो गई हुई, क्योंकि पैंट मिल नहीं रही। मैंने सारा घर ढूंढ लिया, जो पैंट पहननी थी मिली नहीं। मम्मा कह रहे हैं तेरे रूम में ही होए गए कपड़े, और परसों कपड़े धोए थे जो कि वॉशिंग मशीन में ही पड़े हुए थे, वो मार गए हुए हैं, अब जाके सूखने जा रहे हैं। माता जी वाए वाए, माना कि थोड़े दिन घर पर नहीं होता हूँ आप, तो मुझे मतलब जब मैं घर का मेंबर नहीं मानते। अब कुछ ना कुछ करके पहनते हैं कुछ, और जाने से पहले ना एक बारी आपको नवाब के दर्शन करा देते हैं, क्योंकि नवाब की फैन फॉलोइंग वखरी है, जो कि कहते हैं वी मिस नवाब इन द व्लॉग। कैसा है, क्या हाल है तेरे, हैं? बढ़िया हूँ, मस्ती में हूँ। आज ना बहुत ही ज़्यादा टाइम के बाद अपनी एक पुरानी सी जीन्स मैंने पहनी है, जो कि ना टाइट हो चुकी है, बहुत ही ज़्यादा टाइट हो चुकी है, और अब ना ये वाली फीलिंग आ रही है, ओंकार सिंह विद इन फ्यू मंथ्स यू आर गेटिंग मैरिड, कुछ कर लो नहीं तो मजाक हो जाएगा। एंड अब ये हाथी करेगा अपने साथियों को पिक, और उसके बाद होने वाली है फुल ऑन, मतलब कि फुल ऑन वाली मस्ती। साथियों को पिक करने से पहले ना मेरे मन में ख्याल आया कि जरा अपने चश्मे की ना सर्जरी करवा लेते हैं, मतलब क्योंकि ना लेंसेज के अलावा चश्मे भी कहीं ना कहीं जरूरी होते हैं। क्या चल भाई, ये जरा ठीक कर दो यार। चश्मों के डॉक्टर आर वेरी वेरी क्विक, कहते हाफ एन आवर में सर्जरी हो जाएगी, बट हमारे पास टाइम बादू है, कल ले लेंगे। हाँ जी, क्या हाल है तेरे बब्बू? क्या क्या कर रहा है? मैं खा रहा हूँ बब्बू गोशा, मजा आ गया खाने। और बताओ, एक्साइटेड किस चीज के लिए? आज चंडीगढ़ घुमाते हैं। चंडीगढ़ घूमना? चंडीगढ़ तो घुमा हुआ है, आज फिर घूमेंगे अलग स्टाइल में। फ्री के ऑफर को हम मना नहीं करते, गाड़ी इसकी है, तेल इसका है, वैसे भी 100 रुपए हो गया तेल, घुमाओ को टेंशन कोई नहीं। मैं ना जरा जल्दी जाके चेंज कराता हूँ। क्यों, क्या हो गया एकदम से? मैं ना, अब तुमने बोला घूमने जा रहे हैं तो अच्छी जगह भी जाएंगे, हाँ। तो फोटो फोटो खींच हो जाएगी। तो ये कपड़े ठीक नहीं, नहीं चप्पलें डाली हुई है मैंने, मजा नहीं आएगा आपको अच्छे से कपड़े। पांच मिनट इस चीज में ना आदित्य ने दिमाग अच्छे से लगा लिया हुआ है, घूमने फिरने के बहाने फोटोएं खींच हो जाएगी, और उसी बहाने हमारा इंस्टाग्राम जो है ना वो थोड़ा सा एक्टिव हो जाएगा। तो ना इंस्टाग्राम पे जरा फॉलो या कर लो, नीचे ना अकाउंट वगैरह के डिटेल दिए हुए हैं, फॉलो मार दो यार, मतलब कर लोगे फॉलो हमें अच्छा लग जाएगा, मतलब कर दो ना। और वीडियो को लाइक अगर अभी तक भी नहीं किया तो प्लीज लाइक ठोक दो यार, बार बार कैसे भीख मंगों की तरह लाइक मांगी जा रहा हूँ, पर कर दो यार लाइक। ये भाई बहन जो है ना तैयार होने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं, मैं सोचा ऊपर जाते हैं मम्मी पापा को ही मिल लेते हैं इस बहाने। एक चीज़ देख रहे हो, मम्मी पापा बोल रहा हूँ मैं, मतलब बोलना शुरू कर दिया हुआ है, वीडियो में अभी तक नहीं बोला, तो आज वीडियो में आपके सामने भी जरा मम्मी पापा हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। नमस्ते मम्मी। नमस्ते जी, तेरो मिला तो। हाँ, ज़्यादा टाइम बाद मिले ना, नाले तो नवाब की खुशबू भी आ रही है। नवाब की खुशबू आ रही है।
अभी चिपका रहेगा तुम्हारी टांग भी चिपका रहेगा। ये ले स्कूबी खा ले, स्कूबी खा ले। तुझे कोई आइडिया है हम कहाँ जा रहे हैं? जिम तो नहीं जा रहे स्पेशली कपड़े चेंज करके आया और फोटो शूट करने लगे अपना। मैंने भाई साहब मैं कोई फोटो फोटो शूट नहीं करा रही। अच्छा हमारी खींच दियो फिर। अच्छी बात हो गई, हमारे पास कैमरामैन हो गया है, अब हम खड़े हो जाएंगे अगर फोटो अच्छी नहीं आई तेरी महीने की पगार काट लूं। अभी ना घूमने के लिए हम ऐसी जगह है जो अभी मूवी नहीं आई थी मुक्ति, कौन सी मूवी थी वो? अच्छा अच्छा वही चल चलिए। हाँ वो मूवी जो आई थी वो आर्मी वाली शेरशाह, शेरशाह की शूटिंग हुई थी यहाँ पे रॉक गार्डन में। तो एक बार वो रिलीव द मोमेंट करने आया है। और कितने टाइम पर आया रॉक गार्डन तू? मैं आया था 11th क्लास में। पता लग रहा है टिकट कटानी होती है पहली बार पैसे दे रहा है ना, नहीं तो बच्चों ने तो पापा मम्मी ने पैसे दिए यहाँ पे। हाँ, तो पता ही नहीं था कि टिकट वाला था। टिकट यहाँ जाके हमारे लिए ना घर की मुर्गी दाल बराबर वाली चीज है। हम रॉक गार्डन हमारे पास ही है पर घूमने कभी नहीं आए, तो आज फाइनली जाके एक बार अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कोई नई चीजें ऐड ऑन हुई है या नहीं। तुमने ना अपने जीजे के नाम पे बेइज्जती करा रखी है। क्यों? पूरे चंडीगढ़ में। क्यों? मैंने बोला कि मुझे भूख लगी है मुझे पहले कुछ खिला दो। हाँ? तुम कुछ खिला के नहीं लाए। यहाँ पे देख लिखा है ना अंदर है स्नैक्स। नहीं मुझे बाहर से खाना था मुझे कुछ। चल बाहर से खिला देता हूं। स्नैक्स अगर गंदे हुए तो मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है दूसरा। चल आ जा तुझे बाहर से खिला देता हूं। रेडियो लगी है बर्गर बर्गर आइसक्रीम आइसक्रीम। ओ पाव भाजी भी लग रही है। ठीक है खुश है? ऐसा लग रहा है आम का अचार खा रहा हूँ। हाँ देखा ये बहाने से खा लेती है। मैं उन बच्चों में साथ बोलती प्लीज एक बाइट एक बाइट बस। तू मेरी ड्रेस गंदी देर मेरी करेगी। लाइफ का वर्स्ट छोला चना कुलचा है। मैंने ना वैसे सच में हिसाब लगाया जितनी भी ये टूरिस्ट वाली जगह होती है ना वहाँ का खाना बिल्कुल स्वाद नहीं होता है, वहाँ पे बस गुजारे वाला काम ही होता है। तेरी बेस्ट फ्रेंड जो घूम गई थी। हाय कैसे हो? डस्टबिन आई पीछे इसके लगा हुआ डस्टबिन है रेडे। अरे क्या बात है, अरे बहुत ही सही। आगे से कुछ पीछे से कुछ ना सही है। तुझे तो रॉक गार्डन की स्टोरी पता है ना? है नेक चंद वाली तुमने बताई थी एक बार। मतलब ये सारा रिसाइकल। हाँ 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 ये सारी रिसाइकल टाइलें और ये सब कुछ उसी का बनाया हुआ है। फ्लशे फलाना ढमकाना सब चीजें बहुत अच्छी लगती है क्योंकि मैंने भी अपने कॉलेज टाइम में बड़ी अपसाइक्लिंग की हुई है। ये भी ना रिसाइकल मटेरियल से बनाई गई थी। हाँ, तो अच्छा इसको भी भगवान ने जो बचे कुछ पार्ट थे बचा कुछ नाक बची कुछ यहाँ कुछ बनाया था इसलिए बहुत अच्छा लगता है। ये सारा जो रॉक गार्डन है ना इसके पीछे एक ही मास्टरमाइंड है वो है नेक चंद। मतलब हर चीज प्लान करके अच्छे से सजाया हुआ है जो कि बहुत ही ज्यादा प्यारा है। ये चीज कोई अलग से आदमी सोच सकता है। सोच बहुत लोग सकते हैं बट इंप्लीमेंट एग्जीक्यूट करना। हाँ सच में। और आजकल के टाइम पे हम बोलते हैं ना चीजों को तुम अच्छे से यूज करो वेस्टेज कम करो फलाना ढमकाना। ये कितने साल 60 इयर्स बैक 50-60 इयर्स बैक जो बंदे की ऐसी विजन सोचते भी नहीं थे लोग। सच में वैसे आजकल के सारे वो जो इंटीरियर डेकोरेटर वगैरह होते हैं ना वो ये सब करते हैं उनको आइडिया लेना चाहिए ना नेक चंद से। मतलब ये वॉल वैसे ही देखो कितनी ज्यादा अच्छी लग रही है दूर से और अगर आप पास से देखो ना ये सारे जो वो स्विच बोर्ड वगैरह का टूट नहीं जाता वही है ना स्विच बोर्ड ही है ना सही लग रहा है। अरे इसका एक फायदा और है किसका सर मारो तो जल्दी फटेगा। अभी मैंने अपने घर की जो कंस्ट्रक्शन कराई है ना और उसमें लगी है टाइलें और इतनी ज्यादा टाइलें टूटी हैं वेस्ट हुई हैं यहाँ पे जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ना इतने बढ़िया आइडिया आ रहे हैं ना कि अपनी पानी वाली टैंकी इसी टाइप की बनवा लेता। सच में यार कितना ज्यादा सही लग रहा है मुक्ति। नाइस क्रिएटिव बहुत सुंदर लगता है। इस टाइप का सूट कितना अच्छा लगेगा उसको चीड़ फाड़ वाले कपड़े बोलेंगे। दादी ऐसी वाली फीलिंग नहीं आ रही कहीं पे जंगलों में आ गए हुए किसी ट्राइबल एरिया में। सही बात है ऐसा लग रहा है वो जैसे वो नहीं दिखाते थे कौन सी नहीं 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 यार पुरानी वो दिखाते हैं सिविलाइजेशंस उनके ऐसे रिमेन्स बच जाते हैं खोद खोद के निकालते हैं वैसी फील आ रही है। और ये ना छोटे छोटे रास्ते हैं भूल भुलैया टाइप लगता है आपको समझ ही नहीं आएगा किधर को रास्ता खत्म हो गया कहाँ से शुरू हो गया। और एक चीज मैं और बताता हूँ पहले ना 70-80% पंजाबी मूवीज जो शूट होती थी सबके एक्शन सीक्वेंस रॉक गार्डन में शूट हुआ है। अभी तक तो अब बॉलीवुड मूवीज यहाँ पे शूट होने लग गई है। मतलब बढ़िया लगता है यार ये सच में। ये वाली गली तो बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही है। गली है ये सच में गली है। इस गली में से निकल के ना मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। मतलब मैं इतना भी ज्यादा मोटा नहीं हूँ मतलब मुझे यकीन नहीं हो रहा और आप से बिना किसी आजू बाजू वाली दीवार पे टच हुए निकला हूँ। कितना प्राउड मोमेंट है उनका।
क्या किसी कंट्री में? इंडिया में है तू, इंडिया में बेस्ट फील है। फिर मुझे ऐसी जगह बताओ जहाँ पे ऐसे आसपास पत्थर हो और मैं अकेली जंगलों में घूमूं। ये रॉक गार्डन। अरे यार ये 36 बार आ चुकी हूँ यहाँ पे मैं। अरे तो घर घर पे ऐसा बनवा लेना, वहीं से जगह। वो चीज बहुत ज्यादा गंदी लगती है जब कोई ऐसी टूरिस्ट वाली जगह पे आता है और गंद फैलाता है, और आजकल गंद फैलाने का नया तरीका मास्क तक फेंकने लगे हुए लोग। मतलब एक और चीज कूड़े में ऐड हो चुकी है मास्क, पर ये बहुत ही गलत बात है। मास्क मास्क पोल्यूशन भी बहुत बड़ा इशू हो गया है। मतलब देखो हर जगह पे जाते हो डस्टबिन लगे होते हैं हर जगह पे आजकल डस्टबिन है, तो कोशिश करो कुछ भी खा रहे हो बॉटल पानी की आपके पास है फेंकने डिस्पोज करना तो डस्टबिन में फेंको या फिर अपने पास रखो। ये चेक करो यार पीछे मतलब कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है, अगर वहाँ तक देखो ना ऐसे लग रहा है कुछ पुराना किला जंगल के अंदर महल या महल हो। हाँ विश्वास नहीं हो रहा ये देख के कि हम शहर के बीच में है, ऐसा लग रहा है किसी जंगल में आ गए। ये वाले सीन देख के ना मुझे ऐसा लग रहा है कि अजंता केव्स वगैरह जो है वो भी कुछ इस प्रकार की होती होगी, जैसे घुसो अंदर गुफा में। पता नहीं यार अजंता केव्स भी जाएंगे यार, ये जाना तो चाहिए। काफी एक प्राउड वो है वो भी इंडिया का हिस्ट्री का हाँ। बहुत ज्यादा। मुझे ना एक चीज समझ नहीं आ रही, यहाँ पे ना कोई कमरे वगैरह है नहीं है, पर वो देखो 1, 2 और 3 एसी लगे हुए हैं। कहाँ पे लगे होंगे कुछ गार्ड वार्ड का कुछ रहने का होगा। कोई सीक्रेट रूम हो अगर कुछ हो सकता है वक्ती खुराफाती। भाई साहब क्या गजब व्यू है यार, बहुत ज्यादा अच्छा है। और एक फील आ रही है यार, ऐसा लग रहा है हंगर गेम्स में आ गया यार, वो आजकल स्क्विड गेम चली है वैसा ही है कुछ। पर एक चीज अभी हाँ। कह रहा था तुझे जिम जाना है वर्कआउट करना है, यहाँ पे इतने ज्यादा स्टेप हो रहे हैं, पौड़ियाँ चढ़ रहे हैं नीचे उतर रहे हैं, तेरा वर्कआउट वाला काम तो हो गया। नहीं वर्कआउट तो हो गया, गर्मी भी बहुत लग रही है। मैं ये कपड़े तो डाला यार पजामे में ठीक। ओंकार हाँ जी, कौन बोलता मैं छोटी हूँ? कौन बोलता है छोटी हूँ? मैं बोलता हूँ ये दरवाजा छोटा है। हाँ। मैं बहुत लंबी हूँ, पकड़ो इधर। देख रहे मेरी हाइट? देख रहे मेरी हाइट? मैं तो ये सोचा मैं कैसे निकलूं। पहला ऐसा दरवाजा होगा जिसमें झुक के जा रही हूँ। एक और छोटा दरवाजा। तू खड़े होके भी जा सकती है। मुझे ना इससे पता लग रहा है कि जो नेकचंद जी थे ना उनकी हाइट थोड़ी छोटी थी। मैंने चीज नोटिस किया जो छोटे लोग होते हैं जिनकी हाइट छोटी होती है वो बहुत क्रिएटिव होते हैं। तेरी फोटो लगाई हुई है वो देख। ओ मुक्ति तेरे पूर्वज। ओ हम सबके पूर्वज। हाँ बात तो सही है। ये झरना नंबर 2 वो जो मूवी में शूट हुआ था ना अभी, वो यहाँ पे शूट, यहाँ पे बैठ के कहीं बैठ के शूट हुआ था। ये वाला झरना का बैकग्राउंड यार कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है ये। अगर मैं मोर होता तो मैं यहाँ पे पंख खोल लेता। गंदा डाला ना मैंने कभी जिंदगी में नहीं सुना। मन कर रहा है पानी में फेंक दूं मैं। सिक्योरिटी डालो क्या होगा, मेरे को इतना अच्छा लग रहा है कि अगर मैं मोर होता तो मैं ऐसे पंख खोल लेता। कमेंट कर दो, कमेंट कर दो आदित्य आतू। इन लोगों को ना जो क्रिएटिव लोग नहीं होते ना उनको बाकी सारे बेवकूफ लगते हैं। अगर यही चीज कोई शायर बोलता अपने गाने में हाँ तो इसने अप्रिशिएट करना था। वाह क्या गाना है। मैं इसका भाई हूँ ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। बोरियों से बनाया हुआ है ये, बोरियों के ऊपर कंक्रीट की लेयर डाली है। लोग ना प्री वेडिंग शूट वगैरह कराने के लिए दूर दूर जगहों पे जाते हैं, हम यहाँ पे नहीं करा सकते? हम करा रहे हैं। नहीं मतलब अगर कराना पड़ गया इमरजेंसी में तो कहाँ, यही आ जाना। बढ़िया है, इतनी सुंदर जगह है, इतनी बढ़िया ग्रीनरी है। खर्चा बचाने के लिए ना लड़के लोग कुछ भी करते हैं। नहीं नहीं खर्चा बचाने की बात नहीं है, क्रिएटिव होने की बात है। यहाँ पे देखकर ने भी क्रिएटिविटी कर दी हुई है, हम थोड़ी भी कर सकते। ये तो ओंकार की बात से मैं सहमत हूँ कि अच्छी जगह प्री वर्कआउट शूट ये जिम में घूम रहा, ये जिम में रहेगा, ये जिम वेडिंग शूट। प्री वेडिंग शूट के लिए अच्छी जगह है। पीछे बैकग्राउंड कितना अच्छा रहा ये देख। हाँ, सारा टाइलों से बना हुआ। मेरे ख्याल से लोग स्पेशल लुधियाना जलंधर वाले आते होंगे यहाँ करवाने। हाँ। और हम इसको छोटा मोटा मान रहे हैं। और यही चीज ना अगर हम कहीं जाए इंटरनेशनल जाए और ऐसी जगह पे फोटो खिंचवाए क्या फायदा, यहाँ पे जब है चीज। मैं सहमत फिर भी नहीं हूँ, पर चलो ठीक है। इसका कोई मकसद नहीं है, इसका मकसद है खर्चा करवाना है बस। हाँ। ये कह रही है कि अच्छी भी हो जगह सस्ते में नहीं सुनना चाहिए। कुछ लोग होते हैं जिनको अच्छी जगह से मतलब नहीं है, उनको खर्चा कराने से मतलब है, और वो खर्चा कराने के बाद उनको खुशी मिलती है, सेटिस्फेक्शन। हाँ। उनको मतलब इनर, ये वैसे ये देखा जाए ना ये ऑलमोस्ट हर किसी का है, हर किसी बंदे का ही है। खर्चा करने के बाद ना फिर सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो जब घूमने जाना होता है तो हम यहाँ आसपास थोड़ी जाते हैं, मे भी होता कुछ अलग देखे, डिफरेंट देखे, तो व्हाई नॉट। हाँ, मतलब जो चीज फ्री में मिल जाती है ना उसकी वैल्यू नहीं होती है। सही बात है, घर की मुर्गी दाल बराबर,
और मुक्ति की चाल मुर्गी की चाल बराबर। वाह, रोटी खानी चाहिए थाल में। तुम सड़ी सड़ी चीजें बोलो, मैं ना बोलो। तो बोलो वो भी है, मिरर है, मिरर देखते हैं, लाफिंग मिरर है। इधर ना अजीब अजीब सी शक्लें दिखती है शीशे में, मुक्ति की तो चलो वैसी अजीब दिखती है, हमारी अभी शीशे में दिखेंगी देखना। कुछ चीज़ें होती है ना जो वीडियो में जस्टिफाई नहीं कर सकते, मुझे लगता है ये वही चीज़ थी। असल में देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आया, अपने आप को अलग अलग रूप में, लंबा छोटा नाटा, मतलब किसी में सबसे बढ़िया पता क्या था, जिसमें मेरी टांगी छोटी हो गई थी और धड़ लंबा हो गया था, उसमें ऐसा मैं एकदम कूल हिप हॉपर लग रहा था। मतलब ये चीज़ें कुछ होती है जो एक्चुअल में ही एक्सपीरियंस हो सकती है, वीडियो में हम आपको दिखाई नहीं सकते। मेरा पता चले तो मैं जैजी बी के गाने में आ जाऊँ, इतना कूल लग रहा था। यहाँ पे मछली जल की कहानी है, मतलब वीडियो में अगेन फिर से आपको जस्टिस नहीं कर पाएंगे, पर हर एक एक्वेरियम अलग अलग है। बोरियों की दीवार के पीछे ना छोटे छोटे एक्वेरियम है, उसमें अलग अलग तरह की मछलियां हैं। हर चीज छुपाई हुई है यार। मुझे इससे ना एक और चीज पता लगी। क्या? जो नेकचंद जी थे ना, वो छुपन छुपाई के शौकीन थे। सही बात है, कह रहे खुद ही ढूंढ लो, मैं नहीं ढूंढवाऊंगा। पर यहाँ लाइट भी नहीं है दादा, बट चलो ठीक है। पर मछलियां हैं, पर अगर यही थोड़ा अच्छा होता, लाइट वगैरह अच्छी होती तो दुबई को टक्कर दे रहे होते। यार ये पता क्यों होएगा, टूरिस्ट का कम आता होगा ना, पैसे कम पड़ गए। नहीं नहीं, टूरिस्ट तो आता है, तो बंदा इस टाइम पे इतने लोग हैं। एक्चुअली ये इशू है, हमारे जो फॉरेन के लोग हैं ना, उनको अपनी चीज़ों को मार्केट करना आता है। हाँ। हमें मार्केट नहीं करना आता, हमारे पास कोई चीज होती भी है ना, हम उसको शोकेस नहीं करना आता हमें अच्छे से। ये बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। जिस दिन ये होगा, बाहर बाहर से लोग आएंगे देखने। हाँ। यहाँ पे जब भी आया ना मैंने ये डॉल म्यूजियम देखा नहीं, ये अच्छा लग रहा है। डॉल म्यूजियम मैंने भी देखा, देते तुमने देखा डॉल म्यूजियम? नहीं यही नहीं, कभी यहाँ से सीधा बाहर ही जाते। हाँ, हम यहाँ से झूले वूले लेके फिर निकल जाते। पर मुक्ति वहाँ ना कैंटीन में ना गरम गरम समोसे मिल रहे हैं, मेरे ना खुशबू सूंघ के मन ललचा गया है। हेल्थ के साथ खेल नहीं कर रहा, कंट्रोल। मैं खाऊंगा नहीं, मैं मतलब वैसे ही बता रहा था, ऐसे डांटो मुझे। ये जो डॉल म्यूजियम है ना, ये पता किस तरीके से बनाया हुआ है, जैसे अगर हम चौकीदानी जाते हैं तो उन्होंने राजस्थान को पोर्ट्रे किया होता है एक प्रॉपर छोटी सी जगह में, ये कुछ उस तरीके की चीज है। यही फील आ रही है, जैसे गांव वाली फील, राजस्थान के गांव या कुछ ऐसा है ना, मिट्टी विट्टी का बना हुआ है। यार फीलिंग ना यहाँ पे बहुत ज्यादा अजीब सी आ रही है, ऐसा लग रहा है कि कितने लोग खड़े हैं। हाँ। और इतनी शांति है, ऐसा लग रहा है भूत ही खड़े हैं आसपास मेरे। बहुत स्केरी फील हो रहा है इस टाइम। अगर लाइट एकदम से चली जाए और इन्हीं के ऊपर लाइट होए कर दी, मुक्ति सबसे पहले चिल्लाएगी और ये दूसरों को भी डराएगी। मुक्ति एक मुझे ना आइडिया आया, तू अपनी शादी पे ना विदाई वगैरह इस तरीके से कर ले। इसको अभी सिर पे चढ़ा रखा है हमने, कंधे पे खाएगी अभी। मुक्ति कितने ज्यादा लोग शादी में आए हुए, इतने लोग तो हमारे गांव में नहीं जितने यहाँ यहाँ पे। पुराना इंडिया का कल्चर दिखाया, छोटी सी जगह में अलग अलग कल्चर दिखाए हुए है ना, सारे तरह के दिखाए हुए, राजस्थानी, हरियाणा का और इधर उधर का। भाई साहब काफी बारी रॉक गार्डन आया, बट ये चीज ना कभी नहीं देखी थी। मेरे ख्याल से ये अभी रिसेंट टाइम में ही बनी है, एंड सच में काफी ज्यादा अलग था एक्सपीरियंस। यार एक बात बोलूं, मैं फोटो शूट कराने आए थे ना, वहाँ पे टूटा हुआ ट्रक खड़ा, बहुत अच्छी फोटोज आएंगी। ओए होए होए, सही बात है यार। ये ट्रक यहाँ पे सजाया हुआ है या कभी जब एक टाइम आया था खड़ा ही रहा और ऐसा ही हो गया? यहाँ पे हर एक टूटी हुई चीज को यूज किया गया, तो इसी तरह इस ट्रक को भी यूज किया गया। तो सच में अच्छा लग रहा है, यूज डेकोरेशन के लिए यूज किया गया है। अच्छा भाई यार, क्या ट्रक है, क्या ट्रक है, मतलब फोटो शूट वालों के लिए सिरा ही चीज है। वो सनी देओल का ट्रक जल गया। हाँ। मैं ही निकला गड्डी लेके वाला, सड़क पे एक मोड़ आया उधर ट्रक जल गया। उधर मैं जला हुआ ट्रक छोड़ आया। मुझे ना समझ नहीं आ रहा कि क्रिएटिव किसको बोला जाए। नेकचंद जी को जिन्होंने इतना बढ़िया रॉक गार्डन बनाया, आदित्य को जो इस ट्रक के साथ इतना बढ़िया पोज मारा, या फिर ये हमारी फोटोग्राफर मैडम जो इतने ज्यादा गद्दे पोज में फोटो खींच रही है। ओ भाई साहब, मैंने ये नहीं सोचा था भीख मंगे भी होंगे यहाँ पे। उन्होंने बताया कि चंडीगढ़ की लाइटों में आपको भीख मंगे मिल जाएंगे। चवन्नी रख रहे, वो सोच रहे सच्ची में यहाँ पे कोई चवन्नी रख जाए इनके पास, कोई और निकाल लेगा। मेरे पास नहीं है पैसे, सॉरी। तो जी इसके बाद होने वाला एग्जिट, और एग्जिट से पहले भाई साहब जो मटेरियल भी बचा बुचा था ना, उसका ये छोटा मोटा सा कुछ ना कुछ बना दिया हुआ है, और सच में लग रहा है कि ये बस बचे हुए।
तब निकलते हैं। और जो तुमने मुझे गंदा कुलचा खिलाया ना, मैंने वही नहीं खिलाया, तूने खुद खाया। कुछ अच्छा खिला दो। मैंने ना सोचा था कि आज के दिन में दो तीन जगहें कवर करेंगे, बट ये एक जगह ही कवर करते करते अंधेरा हो गया हुआ है। एंड अगर आप इसी टाइप की और वीडियोस चाहते हो ना कि हम चंडीगढ़ को एक्सप्लोर करें एक फन वे में और आपको दिखाए क्या क्या चीजें बड़ी है, क्योंकि आज मैंने ना एक और जगह सोची हुई थी जिसने चंडीगढ़ को डिजाइन किया है ना, लीगार्बूजियर, उसका ऑफिस दिखाने का तुम्हें, तुमने कभी वो नहीं देखा होगा। आर्किटेक्ट जितने भी है ना उनको पता होगा लीगार्बूजियर कौन है। हाँ। काफी फेमस आर्किटेक्ट में से एक है। हाँ, वो कहाँ का था, पेरिस का, यूरोप वाली साइड में कहीं का था, नहीं पता हमें कहाँ का। उसने पूरे चंडीगढ़ को प्लान करके डेवलप करते थे, बामणवेली से था वो। वाह, आई रिस्पेक्ट यू, इज अ ग्रेट पर्सन। मेरे घर आया करते थे ना खाना वाना खाने। ओके ठीक है, बहुत अच्छे लोग इंसान थे वो। अभी चलते हैं जरा कुछ खाने के लिए, ढूंढते हैं कुछ बढ़िया सा जिससे आदित्य खुश हो जाए। मुक्ति के नक्शे कदम पे चलते हुए ना हमने ये डिसाइड किया कि बाहर से कुछ नहीं खाएंगे, घर जाके ही खाना खाएंगे, क्योंकि जैसे आपको बता रहे हैं शादी आ रही है, मोटापा, टाइट सी जीन, फलाना ढमकाना सब कुछ। तो सीधा उनको ड्रॉप करके घर आ चुका हूँ और अपने स्पेक्स भी है ना वो मैं ले आया क्योंकि टाइम था, और अब फाइनली जाके ना जिम के लिए तैयार होते हैं। और ये जो टाइट सी जीन पहनी हुई है ना, एटलीस्ट मेरे पटों को सांस आएगा आपको। बाहर खाने का मन तो बहुत ज़्यादा करता है पर थोड़ी देर की कंट्रोल करने की बात होती है, वो कंट्रोल कर लिया तो भाई साहब सफल कर लिया आपने अपने आप को। एंड अभी फ्री टाइम था तो मैंने इंस्टाग्राम पर भी अपनी फ़ोटो डाल दी हुई है, और अब जरा इसको एज ए प्री वर्कआउट, मतलब कि वर्कआउट करने से पहले मील अपनी खा लेते हैं, एक तरीके से डिनर ही है। मम्मा दाल सब्जी में बहुत स्वाद बनाई है। खाना खाने के ना इमीडिएटली बाद वर्कआउट वगैरह किया नहीं जाता ऐसा मैंने सुना मुक्ति और आदित्य से, तो मैं आधा घंटा रुक गया था, इंस्टाग्राम वगैरह यूज़ करने लग गया था। और अब जी जाके मुक्ति आदि को करते हैं पिक और करेंगे लेट नाइट वाला वर्कआउट। मतलब आज ना बिल्कुल टेंशन फ्री होकर वर्कआउट करना, क्योंकि घर आके कोई बर्तन बुर्तन तो मांझने नहीं है, कोई काम है नहीं है, तो अच्छे से वर्कआउट करेंगे, दबा के जोर लगा के हिशा कर दे रहे। तो तूने तो सर्दियाँ डिक्लेयर कर दी हैं जैकेट। अरे मेरे को ना जिम जैकेट में अच्छा लगता है जाना, मतलब जब मौसम थोड़ा सा ठीक हो जाता है। बोलो जिम जाने के लिए भी आउटफिट होती है, आउटफिट तो होती है पर बल्ब के ऐसे प्रेफरेंसेस भी होती है। ये आदित्य को ना दिल पे लग गई, बाकी मूफली मिलनी शुरू होगी, पर सर्दियों को नहीं शुरू हुई। उसने बोला कि मैं अब सर्दियों के कपड़े पहनना शुरू कर दूंगा। फाइनली धड़ाकेदार धमाकेदार उड़ाकेदार पटाकेदार जिम करने के बाद, भाई साहब इतना ज्यादा जिम बढ़िया किया ना, पूरा दबा के इतना दबा के कर दिया हुआ, ऐसा लग रहा है रोड रोलर के नीचे ही आ गए हुए, और मेरे में ना इतनी भी जान नहीं बची कि मैं ये कैमरा उठा के कुछ बोल पाऊ। देख के तो नहीं लग रहा रोड रोलर के नीचे आ गए, तो किसी एंगल से अब तक तो तुम्हें देख के तो ये लग रहा है कि रोड रोलर इसके नीचे आ गया होगा। नहीं नहीं नहीं, ये गलत है, ऐसे जोक्स नहीं मारने चाहिए। आप भी कोई भी ऐसे आपने जोक नहीं मारने। नहीं नहीं, मैं इसकी निंदा स्पेशली अपने जीजे में बिल्कुल नहीं मारने। देखो ये 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 जोक मैंने फ्लो में मार दिया, बट मैं मुंह से निकल गया। बट मैं ऐसे जोक्स की कड़ी निंदा करता हूँ। अब हमने जो प्लान किया हुआ है वो ये है कि अब हम जाएंगे अपने स्टूडियो और कल फूडी व्यू की वीडियो बनानी है। हाँ, तो सुबह जाने से बेटर है रात को ही चले जाओ। अभी जाते हैं घर, डिनर करते हैं और उसके बाद स्टूडियो को निकलते हैं। खाने में क्या है मामा? सोया चंक्स बनवाए हमने। अरे चलो हेल्दी हेल्दी डिनर, डिनर कराया था बट कोई नहीं, दो डिनर लेंगे, दो डिनर चलते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डिनर कर लेना वहाँ जाके, बोलोगे कुछ खाने को, वहाँ कुछ खाने को भी नहीं होगा हमारे पास। मुक्ति के घर पे डिनर करने के बाद आ गए थे हम अपने नए वाले घर पे, और अब मैं करूंगा वीडियो को एडिट, और उससे पहले मैं लेंस वगैरह उतारूंगा। वैसे तो कोई प्रॉब्लम वगैरह दे नहीं रहे बट कहीं ना कहीं मैंने सोचा कि अब एडिट करना ही है, आंखों को थोड़ा सा आराम तो दे दिया जाए। एंड इसी के साथ वीडियो करते हैं हम खत्म। आई होप यू लाइक द वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक कर देना दोस्तों, शेयर कर देना, कमेंट करके बताना ये वीडियो आपको कैसी लगी, और यार लाइक बिल्कुल प्लीज, अभी तक भी अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो यार।